सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं वापस आ चुका हूँ एक और वीडियो लेकर के माइनक्राफ्ट की। तो गाइस, आज के दिन लेकर आया हूँ मॉर्फ मॉड। और गाइस, इस मॉड को यूज करके अपने माइनक्राफ्ट के टोटल 20 मॉब्स के अंदर मॉर्फ हो सकते हैं। यानी कि इट मींस आपको उनकी एबिलिटीज मिल जाएगी और तो और आपको कोई भी मॉब पहचान नहीं पाएगा। तो मतलब जॉम्बी वगैरह आपको कोई भी मारेंगे नहीं। तो चलिए गाइस, जल्दी से आपको बताता हूँ कि आप इस मॉड को यूज कैसे कर सकते हो। और एट द एंड मैं आपको यही बता दूंगा कि आप इस मॉड को इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, क्योंकि भाई इंस्टॉल करने नहीं आएगा तो खेलेंगे किस मॉड को। तो गाइस, पहले तो अभी यहाँ पे मैं करंटली क्रिएटिव मॉड में हूँ। और तो सबसे बेस्ट बात तो ये है कि आप इसको अपने सर्वर वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे सब कुछ अपने सर्वर वर्ल्ड के लिए अवेलेबल है। और गाइस, यहाँ पे एक शीप घूम रही है। पहले आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे मॉर्फ मेन्यू कैसे खोलना है। और गाइस, इससे पहले कि आप बोलोगे भाई अपने इस पे वीडियो पहले ही बना रखी है। हाँ, वीडियो तो मैंने पहले बना रखी है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मॉड का आया है एक नया अपडेट। पर हाँ, इसमें कोई नया मॉब ऐड नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ कुछ बग्स और ग्लिचेस फिक्स हो रहे हैं, तो आप इसको अपने सर्वर वर्ल्ड में बड़ी आसानी से यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो गाइस, अपना मॉर्फ मेन्यू को ओपन करना बहुत ज्यादा ईजी है। मतलब स्टेप तो बहुत ज्यादा ईजी है, पर ओपन करना थोड़ा हार्ड है। पहले तो आपको यहाँ पे क्राउच करना है, फिर जंप मार के हवा में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ टैप टू ओपन मॉर्फ मेन्यू, स्नीक एंड जंप टू कैंसल। तो मेरे को हवा में, मतलब देखो जैसे मैं जंप मारी इन द मिड एयर, मेरे को मतलब वापस स्टैंड होके कहीं पर भी क्लिक करना है। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अभी तो मैं क्राउच हूँ ऑलरेडी, तो मैं जंप मारता हूँ और डी क्राउच करके क्लिक पर अभी नहीं, वो वापस वो करना पड़ेगा। तो यही बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत मुश्किल है। अगर आप पीसी यूजर हो तो आपसे आराम से हो जाएगा, क्योंकि पीसी में करने की कोई बात ही अलग है। तब मैं जंप मार के वापस आएगा। तो गाइस, फाइनली आप देखते हैं मेरा मॉर्फ मेन्यू खुल चुका है। और ये जिसकी जो लुक है वो एकदम माइनक्राफ्ट जावा जैसी, जो कि रियली बहुत ज़्यादा ऑसम लग रही है। यहाँ पे आपको टोटल 20 माउस मिलेंगे, जो कि रियली बहुत ज़्यादा ऑसम बात है। मतलब ऐसा नहीं कि फालतू के माउस मिलेंगे, जैसे कि अब क्या बताऊँ मैं भाई। तो यहाँ पे देखो जॉम्बी, पिगमैन, एंटरमैन, और यहाँ पे आपको सबकी एबिलिटीज मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम हटाते हैं, सिंपली क्राउच करके भी कैसे हटेगा हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कहीं नहीं, यहाँ पे मैं वापस से हाँ डी क्राउच करके जब मारेंगे तो अपना मॉर्फ मेन्यू हट जाएगा। और गाइस, अभी तो मैं क्रिएटिव में हूँ, तो यहाँ पे मैं सारे के सारे जो मॉर्फ मेन्यू है उनको अनलॉक भी करता हूँ यूजिंग दिस कमांड। यहाँ पे आपको लिख देना है स्लैश फंक्शन अनलॉक। और यहाँ पे अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि भाई मॉड वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनलॉक ऑल, और यहाँ पे आपको अंडरस्कोर देखे मॉर्फ, फिर यहाँ पे वापस अंडरस्कोर देखे, यहाँ पे आपको लिख देना मॉब्स। तो यहाँ पे जो मेरा पूरा का पूरा मॉर्फ मेन्यू है वो अनलॉक हो चुका है। यानी कि मेरे को इन मॉब्स को मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको इनको मतलब अपने सर्वाइवर में खोलना है, तो आपको जोन सा मॉब का मॉर्फ चाहिए आपको उसको किल करना पड़ेगा। जैसे कि शीप है, तो उसको अगर आप किल कर दो, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा, तो मैंने को पहले दिखाना था। तो कोई नहीं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ जाए अनलॉक्ड शीप मॉर्फ मेन्यू, जो कि रियली बहुत ज़्यादा ऑसम बात है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मॉब का मैंने कौन सा मॉर्फ ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे जल्दी से अपना मॉर्फ मेन्यू को वापस से ओपन करता हूँ, क्राउच करके हवा में जंप मार के डी क्राउच करके वापस से हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोई नहीं, वापस से करते हैं। और गाइस, बूम गाइस, यहाँ पे आप देखते हैं हमारा मॉर्फ मेन्यू ओपन हो चुका है, और सारे के सारे मॉर्फ जो भी हैं वो सारे के सारे अनलॉक हो चुके हैं। यहाँ पे जॉम्बी है, हस्क है, ड्रोन है, और जॉम्बी पिगमैन, एंडरमैन, स्केलेटन, स्ट्रे, विदर स्केलेटन, क्रीपर, ग्लेस का बहुत सारे मॉब्स है। तो यहाँ पे आप इस मॉड को बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ चिकन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाऊँ, क्योंकि गाइस चिकन तो आपको पता ही, वन ब्लॉक की हाइट में भी बड़ी आसानी से घुस सकता है। और यहाँ पे अपना जो गेम मॉड है उसको मैं कर लेता हूँ सर्वाइवल में, ताकि मैं एकदम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और यहाँ पे गाइस मेरी आप तो हार्ट्स को देख ही सकते हैं, 2 हो चुके हैं। इट मीन्स आपको ये भी पता कर सकते हो तो भाई किस मॉब के कितने हार्ट्स है। और गाइस यहाँ पे आपको चढ़ जाएगा फैदर फॉलिंग, तो आपको मतलब फॉल डैमेज बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि भाई हमको वाटर ब्रीदिंग इफेक्ट क्यों चढ़ा, तो यहाँ पे गाइस आप मतलब एक ब्लॉक के गैप के अंदर घुस सकते हो, वो मैं आपको जल्दी दिखा देता हूँ। तो अगर आप दूसरे गाइस यहाँ पे घुसोगे, तो यहाँ पे आपको सफोकेशन शुरू हो सकती है, और यहाँ पे आपकी हेल्थ जाना शुरू हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपको वाटर ब्रीदिंग इफेक्ट मिला, ताकि आपकी हेल्थ ना जाए। पर ये ना कि आपको कुछ दिखेगा नहीं ढंग से, फिर भी आप बड़ी आसानी से घुस सकते हो वन ब्लॉक के गैप में। एक तरह के से आपको क्रॉलिंग इफेक्ट मिल जाएगा, जो कि रियली बहुत ज़्यादा ऑसम बात है। और यहाँ पे अगर आपको वापस अपना नॉर्मल स्टीव बनना, तो कोई नहीं, यहाँ पे आपको क्राउच करके जंप मार देना है। और यहाँ पे हम देखो हमारे इफेक्ट भी हट चुके हैं, और यहाँ पे हम बन चुके हैं नॉर्मल सा स्टीव। तो यहाँ पे वापस से मैं माफ करके वापस से ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखो मैंने वापस अपना मेन्यू खोल लिया है, और सबसे फेवरेट मॉड जो है वो है हमारा एंडरमैन। यहाँ पे देखो मैं एंडरमैन बन चुका हूँ, और यहाँ पे अपना मैं एक बार व्यू भी आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। तो गाइस एंडरमैन के एक डिसएडवांटेज है कि ये 2 ब्लॉक की हाइट में नहीं घुस सकता, यहाँ पे आपको 3 ब्लॉक का करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको कहीं पे एंटर होना, तो यहाँ पे आपको 3 ब्लॉक का गैप चाहिए, नहीं तो आप घुस ही नहीं पाओगे। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं, मैंने अपना व्यू भी उसको चेंज कर लिया, और एकदम हम रियल एंटरमैन लग रहे हैं। क्राउच करोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, नहीं तो क्राउच करते हैं तो किसी को पता चल जाता है। और यहाँ पे हमको मिल चुके एक एंडर पर्ल, जिसको आप मतलब एकदम एंटरमैन जैसे यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि थ्रो करो तो अभी काम करेगा। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी क्लिक करते जाना, और यहाँ जहाँ पे आप क्लिक
करोगे वहाँ पे आप टेलीपोर्ट हो जाओगे, जो कि रियली बहुत ज़्यादा औसम बात है। और हाँ गाइस, कमेंट में जाकर बताना कि आपका सबसे फेवरेट मॉब कौन सा है। और गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि एंडरमैन को मारता है आयरन गोलम, हाँ मैंने पहले से ही कहा, मैं उल्टा कहने जा रहा था। पर देखो, जैसे मैं आयरन गोलम को स्पॉन करूँगा वो मेरे को लपक के ढमेड़ने लग जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने उसको छेड़ा भी नहीं फिर भी मेरे को मारने आ रहा है, क्योंकि भाई उसके नज़र में है मैं, हम एक एंडरमैन है और एंडरमैन एक हॉस्टल मॉब है। चलो उसको थोड़ा बहुत छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। वैसे मैं फुल गारंटी से कह देता हूँ ये हमको जोर मार देगा। तो यहाँ पे मैं अपना नॉर्मल स्टीव बन चुका, फिर भी मेरे पीछे पड़ चुका है। इसको पता चल चुका कि भाई हम इसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं या फिर मैंने इसको खेड़ भी तुम्हारी थी। तो कोई जल्द से यहाँ पे मैं डे नहीं करना चाहता, मैं भागना पड़ेगा। तो गाइस, मैं यहाँ पे मर चुका हूँ और इस मरने के नाम पे आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है। और यहाँ पे मैं डे नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं आपसे अपना मॉर्फ, और मैं जॉम्बी कैसे बन गया, तो कोई नहीं, मैं जॉम्बी बन गया था, यहाँ पे फिर से मैं स्टीव बन गया, तो कोई नहीं, यहाँ पे मेरे को वापस से मॉर्फ मेन्यू खोलना पड़ेगा। और ये कुछ ग्लिच तो नहीं हो रहा है मेरे को वापस से? अच्छा, मैं अपना व्यू चेंज करके बैठा हूँ, इसलिए यहाँ पे कुछ मेन्यू हमारा जो है वो दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे अपना व्यू मेरे को वापस से चेंज करना पड़ेगा और वो चेंज ही नहीं हुआ। तो कहीं नहीं, वापस मेरे को वीडियो सेटिंग में जाके इसको कर देना फर्स्ट पर्सन पे। और यहाँ पर आप देखते हैं ज़ॉम्बी लिखा हुआ चुका है, यहाँ पे हमको हस्क बन जाता है। कोई नहीं, यहाँ पर अगर आपको रीजनरेशन का इफेक्ट चढ़ जाएगा ताकि आपकी पूरी पूरी हेल्थ जो है वो रिस्ट हो जाए। मेरे को लगा कोई मार रहा है, तो कोई नहीं, यहाँ पर गाइस मेरे को लगता है आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो स्पॉन होते हैं ज़ॉम्बीज वगैरह, वो हमको किल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसकी नज़र में एक हस्क हैं, तो और हस्क इनका साथी है। पर अगर हम इनको सामने रखकर मारेंगे तो ऑब्वियसली हमको भी मारेंगे। यहाँ पर देखो, ये मेरे को मारने था पर मैंने इसको मारा, तो ये मेरे को भी मारने लग गया है। तो कहीं नहीं, हम इसको निपटा देंगे, क्योंकि हमारे पास जो अटैक डैमेज है, मेरे ख्याल से हस्क जितना पावरफुल है, लेट्स सी कितना अटैक डैमेज दे रहा होगा। यहाँ पर देखो, कुछ ज़्यादा ही जल्दी मर चुका है। इट मीन्स आपको ये तो पता चल ही चुका होगा कि जो हमारा अटैक डैमेज है वो भी इंक्रीज हो चुका है। और यहीं कहीं क्रीपर भी घूम रहा था, मैं देखा था वो। चलो यहाँ पे मैं जल्दी से डे कर देता हूँ और ये सारे के सारे ज़ॉम्बी जलना शुरू हो जाएंगे। और अगर क्रीपर होगा तो यहाँ पे देखते, तो क्रीपर पहली बार हमारे सामने फूट नहीं रहा है, पर अगर मैंने इसको एक हिट मारी है फूटना शुरू कर देगा और हो सकता है हमको किल भी करे। और यहाँ पे अगर जो हमारी प्रोटेक्शन है वो थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है, एक तरह से आपने यहाँ पे आर्मर पहन लिया है। और अगर आप यहाँ पे आर्मर पहन लोगे ना, तो किसी प्लेयर को पता नहीं चलेगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ज़ॉम्बी वगैरह आर्मर पहनते ही हैं। चाहे अपना जो गेम मॉडल है उसको मैंने कर लिया क्रिएट में, एक बार आपको यहाँ पे आर्मर भी पहन के दिखाता हूँ। एकदम रियलिस्टिक से फीलिंग आ रही है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जाकर जरूर बताना। यहाँ पर अपना जो वापस से मॉर्फ, उसको चेंज करते हैं एंडरमैन में, क्योंकि भाई एंडरमैन कभी भी आर्मर नहीं पहनता। और यहाँ पर अगर हम पहन लेंगे तो एकदम मिरेकल जैसा हो जाएगा। तो पहले गाइस, एंडरमैन ने एक आर्मर पहना जो कि बहुत ज़्यादा भद्दा लग रहा है, इसलिए आप ना ही पहनें तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, क्योंकि भाई एंडरमैन के साथ आपकी हेल्थ भी इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर हम देखो किसी मॉब को कंफ्यूज कर देते हैं, इट मीन्स अपने फ्रेंड्स को ट्रॉल भी कर सकते हैं। वो छोड़, जल्दी से यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेव एंड क्विट। बातों बातों में आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस से बताना भूल गया था, तो चलिए गाइस मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि आप मॉड को इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। और तो और गाइस, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए, जल्दी जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। और आफ्टर डाउनलोडिंग आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली फाइल के ऊपर टैप कर रहे हैं आपका माइनक्राफ्ट जो है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। पर अगर कुछ नहीं है, कुछ एक्सटेंडिंग की दिक्कत पड़े, तो डोंट वरी, मैंने उस वीडियो बना रखी है आउटर इंस्टॉल मॉड्स, उसको आप जाकर देख सकते हैं बड़ी आसानी से, आप भी मॉड्स इंस्टॉल करना सीख जाओगे। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अपने माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे करनी है क्रिएट न्यू वर्ल्ड, और क्रिएट न्यू वर्ल्ड करते वक्त यहाँ पे आपको कर लेना है क्रिएटिव, वैसे इसका कोई साइंस निकलता है वो मैंने फालतू में क्रिएटिव में कर लिया है। और रिसोर्स पैक्स में आपको यहाँ पर मिल जाएगा मॉड्स प्लस वर्जन 2, इसको एक्टिवेट कर दीजिए। और बिहेवियर में ऑलरेडी एक्टिवेटेड रहेगा, तो यहाँ पर आपको उसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट मीन्स अगर आप उसको एक्टिवेट नहीं करोगे, मतलब यहाँ पर तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, और अगर आप यहाँ पर अलग से एक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आता टर्न ऑफ अचीवमेंट्स, पर यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो भी अर्न हो जाएंगे, जो कि रियली बहुत ज़्यादा औसम बात है। और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले को टर्न ऑन कर देना है, यानी कि हॉलीडे क्रिएटर फीचर्स, क्रिएशन, कस्टम बम्स, एडिशनल मॉडिंग कैपेबिलिटीज, तीनों को बारी बारी करके टर्न ऑन कर दीजिए। और तो गाइस, यहाँ पे आपको एक नया मॉब मिलेगा, नया तो नहीं पुराना ही मॉब है, जिसका नाम है बैट। और अगर आप बैट को यूज़ करके उड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको हमारा एजुकेशन एडिशन भी चालू करना है, ताकि आप बैट को यूज़ करके उड़ पाओ। तो वैसे मैंने करा नहीं था चालू, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे क्रिएट कर देना है। और जैसे यहाँ पे आप क्रिएट करते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा लोडिंग सोर्स पैक्स, और जैसे कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे हमारी वर्ल्ड भी खुल जाएगी। और गाइस आगे का तो आपको पता ही, जैसे हमारी वर्ल्ड खुल जाएगी, मैंने आपको ये बता दिया है कि आप इस मॉड को यूज़ कैसे कर सकते हो। और अगर आपको कुछ डाउट है मॉड के ऊपर, तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।